अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? होप सो कि बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, जो कि हेल्दी, रिफ्रेशिंग और विटामिन से भरपूर मिल्क शेक है। तो आए देख लें कि इसके लिए हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए होंगे। इसके लिए हमने 250 ग्राम स्ट्रॉबेरी ली है, इसको हमने अच्छे तरीके से धो लिया। आप भी जब घर में स्ट्रॉबेरी यूज करें, इसको पानी में नमक डालकर थोड़ी देर के लिए भिगो दें और उसके बाद अच्छे तरीके से धो लें। इस प्रोसेस से स्ट्रॉबेरी अच्छे तरीके से साफ हो जाती है। इसके साथ इसमें हम लोग एक गिलास दूध यूज करेंगे, 5 टेबलस्पून हमने चीनी ली है, इसको हमने पाउडर कर लिया है। तो आइए स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें, इससे मेरी हर नई वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। सबसे पहले हम लोग स्ट्रॉबेरी को ब्लेंड कर लेंगे। स्ट्रॉबेरी को हम लोगों ने पीसेस में काट लिया है। और साथ ही इसमें हम लोग चीनी भी डाल देंगे। चीनी इसमें थोड़ी सी हम ज्यादा यूज करेंगे क्योंकि स्ट्रॉबेरी थोड़ी खट्टी मीठी होती है, तो ये चीनी इसके फ्लेवर को बैलेंस कर लेगी। अब हम इनको ब्लेंड कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम लोग सिर्फ स्ट्रॉबेरी और चीनी को ही ब्लेंड करेंगे। दूध को हम लोग पहले नहीं डाल सकते। अगर हम लोगों ने पहले दूध डाल दिया तो स्ट्रॉबेरी अच्छे तरीके से ब्लेंड नहीं होगी और जिस तरह से हम अपने शेक को स्मूथ करना चाह रहे हैं फिर वो उस तरह से नहीं होगा। तो अभी हम लोग पहले सिर्फ स्ट्रॉबेरी और चीनी को ही ब्लेंड करेंगे। अब ये देखिए स्ट्रॉबेरी हमारी अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गई है। हमने इनको 2 से 3 मिनट तक ब्लेंड किया है। अब इसमें हम लोग दूध डाल देंगे। दूध आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। दूध डालने के बाद अब इसको दोबारा ब्लेंड कर लेंगे। ये शेक अब अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गया है। अब हम इसको ग्लास में डाल देंगे। और ये स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक अब देखें बिल्कुल रेडी हो चुका है। कितना खूबसूरत सा लग रहा है। आप लोग इसको घर में जरूर ट्राई करें। मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।